आदिवासी और ग्रामीण समाज में काम करने वाले ये देश के असली हीरो है, असली हीरो है। यही तो हमारे डायमंड है, यही तो हमारे हीरे हैं। जनजातीय समाज के आत्मसम्मान के लिए, आत्मविश्वास के लिए, अधिकार के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश में विविध, समृद्ध और गौरवशाली जनजातीय विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए इस समुदाय को विकसित भारत की संकल्पना का संवाहक भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राशन आपके ग्राम, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार एवं टंटिया मामा आर्थिक कल्याण जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन और जनजातीय गौरव दिवस मनाने, पेसा नियम लागू करने, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 एवं वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर किए जाने के साथ साथ कई क्रांतिकारी निर्णयों से मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के उत्थान एवं सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवार की महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनके परिवार के पोषण स्तर को सुधारने के लिए युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना में पात्र महिला हितग्राहियों को पूर्व में दी जाने वाली प्रतिमाह 1,000 रूपए की अनुदान राशि को अब बढ़ाकर 1,500 रूपए प्रतिमाह के मान से दिया जा रहा है। इसी अनुक्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मध्य प्रदेश के 14 जिलों की महिला लाभार्थियों को फरवरी माह की आहार अनुदान राशि करीब ₹30 करोड़ तथा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत झाबुआ जिले के 559 गांवों में निर्माण कार्य के लिए करीब ₹56 करोड़ की राशि अंतरित की जा रही है। इसके साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा खरगोन में राशि ₹170 करोड़ की परियोजना लागत से क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय की घोषणा सहित मध्य प्रदेश के लिए करीब 1250 करोड़ रुपए की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है।